Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. भारत के चंद्रयान 2 मिशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 2 चांद पर भेजा जाने वाला भारत का दूसरा मिशन है, जिसमें 3 मुख्य सेगमेंट्स होंगे, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। 15 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था। लॉन्च काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। फ्यूल स्टोरेज टैंक्स में लिक्विड प्रोपेलेंट भरा जा रहा था। इसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी स्टोरेज टैंक्स में भरी गई। इस पूरी प्रोसेस पर इसरो के इंजीनियर्स पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे थे। स्टोरेज टैंक में हीलियम भरने के बाद अचानक ही टैंक में प्रेशर बड़ी तेजी से घटने लगा, जो यह संकेत दे रहा था कि स्टोरेज टैंक से गैस बड़ी तेजी से लीक हो रही है। इसरो ने फुर्ती दिखाते हुए लॉन्च काउंटडाउन को 56 मिनट 24 सेकंड पहले ही रोक दिया, जिससे कि एक बड़ा खतरा टल गया। मिशन तुरंत ही रोक दिया गया। इसरो ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए कहा कि टेक्निकल स्नैग की वजह से काउंटडाउन रोक दिया गया है और जल्द ही नई लॉन्च की तारीख बता दी जाएगी। लेकिन इसरो ने टेक्निकल स्नैग वर्ड को स्पष्ट नहीं किया। न्यूज चैनल्स और उनकी इसरो मेंबर से हुई बातचीत में प्रेशर टैंक में लीकेज का मामला निकलकर सामने आया। इससे पहले भी टेस्टिंग के दौरान इसरो को लीकेज की दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो दिक्कत उसी समय ठीक कर ली गई। लॉन्च के पहले हुआ लीकेज का मामला एक नई प्रॉब्लम थी। मिशन रोक देने के बाद सभी फ्यूल स्टोरेज टैंक्स को खाली करके जांच के लिए भेज दिया गया है, जहां इन टैंक्स की बारीकी से जांच और मरम्मत की जाएगी। यहां बता दें कि एक छोटी सी प्रॉब्लम से ही तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का भारत का चंद्रयान 2 रास्ते में ही आग के गोले में तब्दील हो जाता। लेकिन किस्मत ने हमारा साथ दिया कि इस प्रॉब्लम को इसरो के इंजीनियर्स ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस स्टार्ट होने से पहले ही पकड़ लिया, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। किस्मत के अलावा यहाँ तारीफ करनी होगी इसरो में काम करने वाले हर उस शख्स की, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़ा हुआ है। इस बार काफी ज्यादा मात्रा में लोग चंद्रयान 2 के ऐतिहासिक लॉन्च को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन लॉन्च न होने की वजह से उन्हें थोड़ा मायूस जरूर होना पड़ा। चलो, दुर्घटना से देर भली। सभी तारीफ कर रहे थे इसरो की, जो कि बनती भी है। चलिए अब तैयार हो जाइए फिर से उसी रोमांच के लिए, क्योंकि इसरो ने अनाउंस कर दी है चंद्रयान 2 की अगली लॉन्च डेट। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है। 22 जुलाई 2019 को इसरो चंद्रयान 2 को दोबारा लॉन्च करने जा रहा है। इस बार चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से दोपहर 2:43 पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं दी है, लेकिन आप इससे रिलेटेड अपडेट्स इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर किसी जगह पर उतारा जा सकता है, जिसके बाद यह चंद्रयान 1 की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए भारत का कद दुनिया में और ऊंचा कर देगा। चलिए ब्रीफ में जान लेते हैं कि चंद्रयान 2 आखिर भारत के लिए क्यों इतना स्पेशल है। यह दुनिया का पहला मिशन होगा जो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह भारत का भी पहला मिशन होगा जो चांद पर खोजबीन करने के लिए सतह पर उतारा जाएगा, जो कि यह काम विक्रम लैंडर करेगा। चंद्रयान 2 भारत का पहला मिशन है जो पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर ही बनाया गया है, लेकिन कुछ पेलोड्स हैं जो चांद पर लेकर जाने के लिए दूसरी स्पेस एजेंसीज ने इसरो को प्रोवाइड किए हैं। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत चौथा देश बनेगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत से पहले इजराइल की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस आईएल ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल न हो सके। इससे यह तो पता चलता है कि चांद पर उतरना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन भरोसा है हमें अपनी स्पेस एजेंसी इसरो पर, जो इस मिशन को सफलता की हर ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। तो अब बस इंतजार है 22 जुलाई का,
जब हम सब गवाह बनेंगे उस ऐतिहासिक पल के जब चंद्रयान पृथ्वी को छोड़कर चांद की ओर निकल पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्पेस और साइंस की ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।